अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपलएससी लेखपाल भर्ती न्यू अपडेट, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर में लेखपाल भर्ती को लेकर कौन सी नई अपडेट आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वहीं थंबनेल पर दूसरी बात आप देख रहे हैं कि एक प्रयास जरूरी, जारी हो वेटिंग लिस्ट, नहीं तो ये भी अपडेट देखिए। तो क्या है आखिर में अपडेट, उसको भी देखते हैं। लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों की, आखिर में इसमें कितने पद भरे गए और कितने रिक्त हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी घोषणा, तो अभी तक तो नहीं, लेकिन भाई 7720 चयनितों को नियुक्त पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटा, लेकिन ये एक नई घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो क्या है उसको भी देखते हैं। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में जमकर शेयर करें। चलिए देखते हैं, ये देखिए 49,077 पद हैं स्वीकृत। बता दें कि वर्तमान में राजस्व विभाग में 49,077 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 37,798 पद भरे हुए हैं, शेष 11,279 पद रिक्त हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हुई लेखपाल भर्ती में भी चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। इन पदों के लिए भी नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। विभाग लेखपाल के रिक्त पदों की गणना करा रहा है। तो देखिए क्या है न्यूज, मीन्स 11,279 पद तो रिक्त पहले से ही हैं और 8085 पदों में आप ध्यान दीजिए कि 188 पद तो पीएचओएच, कहिए कि यूपी ट्रिपलएससी और राजस्व विभाग का मिली जुली घोटाला है, उनके साथ अन्याय हुआ है। वहीं 177 पद जो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर की अभी तक कोई चर्चा नहीं है। और 7720 में 6154 या 56 कैंडिडेट ने ही केवल ज्वाइन किया, समथिंग 1500 कुछ पद जो है रिक्त तो रह गए। तो 1556 या समथिंग कुछ पद उधर के और 177 प्रोविजनल, 188 जोड़ लीजिए, मीन्स 2000 समथिंग पद अभी भी रिक्त हैं। तो क्या यूपी में टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, ऐसे एग्जामों के बारे में तो आप जानते हैं, उसमें फ्रेश कैंडिडेट चुने जाने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होती है। तो आखिर में यूपी ट्रिपलएससी ने पेट एग्जाम लिया, मीन्स प्री एग्जाम कराया, यूपी ट्रिपलएससी ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा लिया, कहिए मेंस एग्जाम हो गया, कि जिस भर्ती के लिए प्री और मेंस हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है, आयोग की पीठ थपथपाई गई राजस्व विभाग की, तो अगर पारदर्शी तरीके से है तो जो भी कट ऑफ गई है उनसे एक दो नंबर नीचे वाले सिलेक्ट क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती, इतने दिनों बाद तो भर्ती आती है, तो ऐसा क्या संभव नहीं है? आप बैठे नहीं, ये भी देखिए कि राजस्व विभाग में 11,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, तो राजस्व विभाग में कहने का मतलब लेखपाल की ही 11,000 से अधिक भर्तियां, तो 11,000 तो अभी पहले ही बताया जा रहा है और कहीं 8085 के बचे हुए पद जोड़ लिए गए तो 12-13,000 समथिंग हो जाएंगे। योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और लिपिकीय संवर्ग के पद भरने को कहा, मीन्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दे दिया है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि राजस्व विभाग के रिक्त पदों को भरा जाए, तो
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह बात यदि प्रस्तुत की जाए किसी भी माध्यम से कि हम लोग भी प्री एग्जाम दिए हैं, मेंस एग्जाम दिए हैं और जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनसे एक दो नंबर कम है या 0.5, 0.2 जो भी कहिए, तो आखिर में भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है तो हम क्यों नहीं? इसकी मांग अगर की जाए तो निश्चित तौर पर राजस्व विभाग को तो हम नहीं कुछ कह सकते, यूपी ट्रिपलसी आयोग को नहीं कुछ कह सकते, दोनों मिले जुले हैं, लेकिन अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को जानेंगे तो बहुत ही निर्मम स्वभाव के, निर्मल स्वभाव के, सरस स्वभाव के हैं, और निश्चित तौर पर आपकी बात सुनेंगे और इस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भारी कमी है। किसी भी भर्ती परीक्षा को कराने में कितना खर्च होता है वो शासन प्रशासन अच्छी तरह जानता है भाई। ये आप देखिए, मैंने ये न्यूज आपको बहुत पहले दिया था कि राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को सुदृढ़ बनाने पर मुख्यमंत्री का जोर, कहने का मतलब राजस्व परिषद और राजस्व विभाग दोनों को मजबूत बनाने का मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा जोर है। उन्होंने कहा है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, ADM, न्यायिक कानून गो और लेखपाल के खाली पदों पर शीघ्र हो चयन। तो जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है ना, इसलिए मन में अगर जिद है, आपने मेहनत किया है भाई, जिद है तो जीत सकते हैं, अगर डर है तो ठीक है भाई, हारे हुए इंसान है, लेकिन नहीं, एक प्रयास जरूरी है कि हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक किसी भी प्रकार से पहुंचाएं। कामयाबी पाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, सही समय, सही तरीका और सही सोच। इन बिंदुओं पर मैं सभी भाई बहनों से जरूर कहूंगा जो लेखपाल भर्ती 2022 में सम्मिलित हैं और सिलेक्टेड कटाप में नहीं आए हैं लेकिन कटाप के निकट है, नियरेस्ट हैं, उनसे मैं इतना कहूंगा कि आप इसको जरूर देखें कि कामयाबी पाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। सही समय, तो वास्तव में सही समय है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा कर रहे हैं कि राजस्व विभाग के बचे हुए लेखपाल पदों को शीघ्र भरा जाए और राजस्व विभाग जो है रिक्तियों का ब्यौरा निकाल रहा है, अब इसके लिए सही तरीका और सही सोच की जरूरत है, सफलता से और मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक ही मांग है कि लेखपाल भर्ती 2022 की वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिस तरह अन्य सभी विभागों में जारी होती है ठीक उसी प्रकार से राजस्व विभाग में भी जारी होनी चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उन भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और शेयर करें, जिससे एक बल मिले, हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि जो रिक्तियां इसमें बची हुई हैं, कम से कम 1800-1900 परिवारों में खुशियां तो आ सकेंगी, उनके घर में तो अच्छी रोशनी होगी, इस बात को सोचिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।